व्हाट्स अप। तो आज ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चैलेंज करने वाली हूँ। जो स्क्विड गेम सीरीज़ आई है ना, तो उसके डालगोना कॉफ़ी कैंडी के बारे में तो आप सबने सुना है, तो हम ना आज वो ट्राई करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कैसा बनता है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ये ट्राई करते हुए, एंड आई एम ऑल्सो वेरी डेस्परेट टू ट्राई इट। सो लेट्स डू इट टुगेदर। एंड हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब भी बनता है। आसपास के शोरों को अवॉइड करना, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना और मेरे चैनल पे बने रहना। ये जान लेते हैं कि स्क्विड गेम का क्या सीन है। स्क्विड गेम एक सीरीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है अभी, जो कि मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो मुझे रिकमेंड करो कि मैं देखूँ या नहीं देखूँ। मतलब आप लोगों ने अगर देखी है तो डू लेट मी नो, डू सजेस्ट मी कि देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। सेकेंडली, ये जो गेम का जो सीरीज़ है, ये जो कैंडी डालगोना कैंडी वाला जो सीन है, सीरीज़ नहीं सीन, वो ये है कि ये एक्चुअली ना कोरिया में ये गेम खेला जाता था, बच्चे खेलते थे एंड ये लोग कैंडीज़ बनाते थे एंड उसको एक शेप देते थे, एंड अगर वो शेप टूट जाता है तो आपको एक गन शॉट मिलती है, और अगर सही से परफेक्टली बाहर आ जाता है तो देन इट्स वेल एंड गुड। तो ये ना अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, तो भैया सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, है ना। तो लेट्स ट्राई इट कि कैसा जाता है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मैं ये कर लूँगी। आई विल डू दिस, मैं ये कर लूँगी, आई विल डू दिस। उससे पहले ना सब्सक्राइब बनता है एक। आइए चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले ना हमने एक पैन लिया और उसमें मैंने ना 2 बड़ी चम्मच चीनी डाली है, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। फिर हम ना इसे मेल्ट होने देंगे, मतलब हमें चीनी में और कुछ नहीं डालना, हमें बस सिंपली इसे मेल्ट होने देना है। तो ये काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। जब थोड़ा सा ब्राउन टेक्सचर आ जाए ना, तब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, और लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। याद रखिएगा, लो फ्लेम पे, मतलब हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना बहुत बुरी तरह जल जाएगा ये। फिर लो फ्लेम पे से धीरे धीरे पकाएंगे, और फिर ना बटर पेपर अगर आपके पास हो तो बटर पेपर पे सारा निकाल लेंगे, और अलग अलग करके निकालना। मैंने एक साथ ही निकाल दिया था तो ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, बट एनीवेज मेरे पास फॉइल था तो मैंने फॉइल पे थोड़ा बटर लगा के निकाल लिया, और अपना मनपसंद शेप मैंने उसे दे दिया। मैंने 2 शेप्स बनाए, तो लेट्स सी कि ये कैसा जाता है एंड में। और बहुत ही क्यूट शेप लग रहा था, एक तो ये मिक्की माउस वाला शेप लग रहा था। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने गलती की वो मैंने एक साथ ही शेप बना दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई। ओ भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है ये। अरे बाइक वाले भैया, आप बाद में जाते ना, लेट्स डू इट। क्या हरकत कर दी। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ ट्राई, लेट्स सी। वेट वेट, यू कैन डू इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस शेप, ओके, मिक्की माउस शेप। मैं ये कर लूंगी, आई विल डू दिस। मैं बहुत बुरी तरह हार गई हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दो यार, आई एम डिसअपॉइंटेड। प्लीज़ एक लाइक बनती है और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी अमेजिंग अमेजिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए।